हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्लॉग। दोस्तों अभी मैं सोया था, सोकर उठा हूँ तो प्लानिंग बनाया हम लोग जो है हेमंत भाई और मैं प्लानिंग किए हैं कि हम लोग इस बार होली में घर नहीं जाने वाले हैं। अब आप लोग गैस कीजिए हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। नहीं गैस किया ना दोस्तों, इस बार हम लोग होली में जा रहे हैं राम मंदिर अयोध्या, राम जी का दर्शन करने। आप लोगों को भी राम जी का दर्शन कराएंगे, ठीक है। आप हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए, ठीक है। अभी मैं सोकर उठा हूँ तो प्लानिंग किया हम लोग, उसके बाद टिकट किया हम लोग। रात को शायद 9:30 बजे या 9 बजे ट्रेन है, ठीक है। तब तक देखिए हम लोग बैठे हैं अभी अभी हम लोग दोपहर है, 12 बज रहा है, ठीक है। अभी हम लोग जा रहा हूँ नहाने, नहा कर रेडी होगा तब तक कपड़ा वो सूख जाएगा, मान के धोकर डालना पड़ेगा ना, सूख जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ कपड़ा लेकर जाना पड़ता है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर हेमंत भाई यहाँ पर तब तक मूवी देख रहे हैं और वहाँ पर देखिए गाना जो लाइव भोजपुरी, ठीक है, आनंद लिया जा रहा है, ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ रेडी होना, रेडी होकर आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, ठीक है। अभी टाइम कितना हो रहा है, 7 बज रहा है, अभी 2 घंटा बाद हम लोग ट्रेन है, तभी जा रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा जाने में भी। देखिए पीछे हेमंत पैकिंग भी कर रहा है, सामान वामान सब रख लिया है, मतलब कपड़ा लाता जो है ना सब रखा गया, ठीक है। चार्जर रखा गया है, मोबाइल जरूरी है, ठीक है। अभी ब्लॉग बन पाएगा, ठीक। अभी आप लोगों को दिखाएंगे और आगे, तब तक ब्लॉग में आप बने रहिए। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ गए हैं इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन, ठीक है। यहाँ से हम लोग वो मेट्रो पकड़ेंगे और जाएंगे हम लोग वहाँ चारबाग, ठीक है। चारबाग से ट्रेन है अयोध्या का, ठीक है। इसलिए हम लोग आ गए हैं इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन। आप सामने देख सकते हैं वो रहा है दोस्तों, देखिए लिखा है, आपको फोकस कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन, ठीक है, यहाँ पर हम लोग हैं, आप देख सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, अंदर वहाँ टिकट लेंगे, उसके बाद दोस्तों चलेंगे, हम लोग ब्लॉग में बने रहिए। यहाँ पर मैं टिकट ले रहा हूँ मेट्रो के लिए। फाइनली हम लोग टोकन ले लिए हैं, देख सकते हैं ये है टोकन, इसी से हम लोग एंट्री मिला है अंदर जाने का। ये वहाँ पर पीछे मेट्रो आ रही है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, दूर है मेट्रो आ रही है, तो हम लोग वेट करते हैं, ठीक है। अभी आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ है जाना है, जाएगा ये देख सकते हैं, बट हम लोग को तो जाना है चारबाग, ठीक है। ये रहा टिकट। दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं चार बार रेलवे स्टेशन, देख सकते हैं हेमंत एंट्री मार रहा है। तो हम लोग चार बार स्टेशन पर आ गए हैं, हेमंत अपना सीट देख कर आ गए हैं। अभी दिखाएंगे टिकट, टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ, मारेंगे दोस्तों, टिकट दिखा रहा है। तो देखिए हम लोग का टिकट है, रुको 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 रुको, ये रहा टिकट, ठीक है। टीटी एक बार चेक किया है हम लोग, ठीक है, लेकिन टिकट था तो कोई डरना ही नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग डायरेक्ट मिलते हैं अयोध्या में। दोस्तों मैं फाइनली आ गया हूँ अयोध्या रेलवे स्टेशन पर। अभी मैं यहाँ कुछ फोटो शूट करवा रहा हूँ ताकि मैं रील्स और स्टोरी पर अपलोड करूँगा। अब ये नकली है, आपको असली दिखाएंगे, ठीक है। अब ये नकली मंदिर है, ये देखिए दोस्तों, शायद खरगोश हमको लग रहा है, खरगोश ही है, ठीक है। ये स्टेशन बनाया गया है, ये जो अयोध्या रेलवे स्टेशन है पूरा अंदर का दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे दिखाई देगा। अभी दोस्तों आपको मैं नक्शा दिखा रहा हूँ पूरा रेलवे स्टेशन का, पूरा नक्शा है रेलवे स्टेशन का, ऐसे ही पूरा नक्शा बनाया गया है रेलवे स्टेशन का। ये दोस्तों पूरा नक्शा था आपको दिखाया है, अभी मैं अभी और टूर आपको कराता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं ऊपर और देखते हैं क्या होता है, इसी से हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे, पूरा ऊपर है। अभी देखिए यहाँ पर सब लोग सोया है क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 1 बजा है। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, देखिए भैया साहब सब कुछ सोया है, बच्चा छोटा सा अभी रात में जगा हुआ है। आप ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। देखिए हम लोग
सीढ़ियों से जा रहे हैं ऊपर ऊपर, हम लोग देखते हैं क्या है, मतलब कैसे क्या दिखाई दे रहा है। हम लोग पहली बार आए हैं अयोध्या, ठीक है डायरेक्ट रेलवे स्टेशन पर घूम ले रहे हैं और अयोध्या मंदिर में भी जाएंगे, पूरा उधर घूमेंगे, ठीक है आप देख सकते हैं कुछ अंदर कुछ इस तरह दिखाई देगा आपको। पानी टॉयलेट है या ड्रिंकिंग वाटर है सब बनाया गया है कुछ ऐसे। यहाँ भी रहने वाले, यहाँ भी गेट नंबर है। अभी ये भाई सब जा रहे हैं टॉयलेट में थोड़ा हल्का होने, तब तक वो लोग अभी रुकाते हैं यहाँ पर। दोस्तों 1 बजे का टाइम है, लगभग 1:30 बज रहा है, अभी ट्रेन आई है, ठीक है हम लोग ट्रेन से अभी उतरे हैं, हम लोग आ गए अयोध्या में। अभी 1:30 बज रही है, मान लीजिए 1 या 1:30 बजे, कितना बज रहा है टाइम देखिए, 2 बज रहा है। हाँ तो 2 बज रहा है, 2 बजे मान लीजिए। अभी तो हम लोग अयोध्या मंदिर पर जाएंगे नहीं, अभी रात का टाइम है, ठीक है तब तक हम लोग यहीं अयोध्या घूम रहे हैं, ठीक है। कहाँ पर घूम रहे हैं? स्टेशन पर देख सकते हैं, अभी स्टेशन पर टूर कर रहे हैं, आपको दिखा देंगे जितना जितना मतलब स्टेशन पर घूमेंगे जो भी दिखाई देगा। ये पुराना वाला है, ये पुराना वाला स्टेशन है, ठीक है। अभी देख सकते हैं पूरा लोग अभी स्टेशन पर ऐसे ही बैठे हुए हैं, टाइम पर यहाँ पर पुराना वाला सब लोग बिता रहे हैं, ठीक है। ये देखिए रेलवे स्टेशन आपको दिखाई दे रहा होगा अयोध्या का, अयोध्या धाम का रेलवे स्टेशन है, काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है इसको, देखिए पूरा रेलवे स्टेशन का। देखिए दोस्तों पूरा वेटिंग हॉल बनाया गया है, मतलब बाहर से या इंडिया से ही जितना टूरिस्ट आएंगे घूमने के लिए वो यहाँ पर वेट करेंगे। देख सकते हैं पूरा है, बहुत दूरी बनाया गया है, अभी ऊपर का है, अभी नीचे का भी दिखाएंगे हम, ठीक है। देखिए अभी देख रहे हैं दोस्तों काफ़ी एरिया बनाया गया है इसको। और दोस्तों देखिए एक ए वाला वेटिंग हॉल है, आपको आगे तरफ पूरा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये भी पूरा नीचे का वेटिंग हॉल है, मतलब यहाँ पर रहने के लिए कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, इतना जगह है यहाँ पर। ये अयोध्या का आपको बता दें कि दोबारा बता देंगे, अयोध्या का रेलवे स्टेशन है अयोध्या धाम, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ भी पूरा, उधर भी पूरा लोग रह सकते हैं, यहाँ भी पूरा लोग बैठे हैं, देख सकते हैं दोस्तों ये अंदर का है। ये आप बताइए कमेंट में क्या चीज़ है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ सामने वहाँ पर भी वेटिंग हॉल है, यहाँ भी पूरा लोग वेट कर सकते हैं, मतलब कि बता दें कि यहाँ पर एकदम पूरा भंडार है रहने वाला, ठीक है, कुछ कमी नहीं होगा रहने, किसी को भी कहीं भी पटा जाना है, मतलब कि लेट जाना है, आप देख सकते हैं अंदर का नज़ारा। आपको अयोध्या का धाम का रेलवे स्टेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए सब लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, पूरा वेटिंग हॉल है, देख सकते हैं इधर पीछे पूरा जितना है सब वेटिंग हॉल। अब इसके ऊपर ही बनाया गया जाने वाला, ठीक है, पूरा वेटिंग हॉल है, यहाँ पर सब लोग वेट कर रहे हैं। हेमंत भी यहाँ वेट करने के लिए जाओ, ये भी आराम करेगा क्योंकि सोए नहीं हम लोग रात भर आज। ये जो देखिए जो कि जो है ना वो रेलवे स्टेशन, उसके बाहर का है, देख सकते हैं थोड़ा साइड में बनाया गया है, कितना अच्छा यहाँ लाइटिंग किया गया है, बहुत ही मतलब अच्छा देखने में लग रहा है, खूबसूरत। अब मालूम नहीं वीडियो में मतलब किस कैसा क्वालिटी दिखा रहा है, लेकिन मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं। अभी हम लोग थोड़ा बाहर आए हैं स्टेशन के बाहर का नज़ारा है, यहाँ भी लोग बाहर सोए हैं, इतना जगह है कि यहाँ भी लोग मतलब रह सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। इसको कहते हैं डेवलपमेंट, जो कि हमारे इंडिया में हुआ है अयोध्या में रेलवे स्टेशन के साथ और राम जी के मंदिर के साथ, ये सब राम जी का दया है। जय श्री राम, कमेंट में लिखिए जय श्री राम। तो आपको मैं टेलर दिखाता हूँ अपने श्री राम का, भगवान श्री राम का। देखिए सभी बोर्ड पर जितना लाइटिंग वाला बोर्ड है सब पर लिखा गया है श्री राम, देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ फोकस को कम करता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ, देख सकते हैं जितना भी बोर्ड है सब पर लिखा गया है, देख सकते हैं सब ऐसे ही लिखा गया है, जितना भी बोर्ड है सब बोर्ड पर ऐसे ही लिखा गया है। रास्ता कितना है, रास्ता पर जाएंगे आप ऐसे ही बोर्ड मिलेगा, आपको दिखा रहा हूँ। ये वाला तितली वाला कुछ बनाया गया है, देखिए यहाँ पर इसमें पूरा लाइटिंग मतलब ये भी उजाला करेगा, जैसे ये पूरा श्री राम जी का लगा है ना, जैसे पूरा उजाला कर रहा है वैसे ही इसमें भी लाइटिंग लगाया गया। देखिए अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें अभी देखिए वायरिंग किया गया है, अभी इसमें काम जारी है, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट होने के बाद ये भी झमझम चमकेगा, ठीक है। ये देखिए ये है रेलवे स्टेशन, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक, पूरा बाहर का है। अभी हम लोग राम मंदिर के पास आ गए हैं, क्योंकि रात को हम लोग स्टेशन के पास बैठे थे,
तो वहाँ पर हम लोग बोर हो गए थे, तो चले बोले कि चलिए चलते हैं हम लोग पूरा आराम से घूमते हैं। तो पता चला यहाँ सभी लॉक हो चुके हैं, मतलब सब बैरियर दिखे लगा है, अभी पूरा तरह से बंद है, क्योंकि अभी हो रहा है, बज रहा है 3 रात को, 3 बज रहा है, तो अभी लग रहा है इसीलिए सब बंद किया गया है, कोई भी एंट्री नहीं है दोस्तों, देख सकते हैं। अभी हमको ये भी नहीं मालूम है कि देख सकते हैं यहाँ ऊपर बोर्ड भी लगा है श्री राम मंदिर, ठीक है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, देख सकते हैं, शायद यही है, यही से हमको एंट्री लग रहा है मिलेगा, लेकिन अभी टाइम थोड़ा है। देखिए दोस्तों पूरा बनाया गया है, वहाँ पोस्टर में देखिए राम जी का मंदिर, यहाँ पर पिक्चर चल रहा है, आपको थोड़ा वो लाइटिंग हो गया नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए देखिए आप कुछ इस तरह से यहाँ दिखाई देगा। अरे पूरा लॉक, पूरा रोड, मतलब कि रोड को ही पूरा क्लियर कर दिया गया है, यहाँ पूरा पुलिस का तैनात है अंदर, पूरा देख सकते हैं, ठीक है, लेवल के थी यहाँ का लुक देखिए अलग लेवल का, क्या नज़ारा है दोस्तों, देख सकते हैं ये जो बनाया गया है ना, इसको देख कर तो लग रहा है कि देख रहे हैं, मानना पड़ेगा राम मंदिर, जय श्री राम। अभी आपको पूरा दिखाऊंगा, ठीक है, अभी आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। हम लोग कितना सुबह आए हैं, मतलब कि आपको वीडियो सुबह का कभी नहीं मिला होगा, ठीक है, हमको लग रहा है हम आपके आपको लोगों के लिए पहली बार सुबह आकर वीडियो बना रहे हैं रात को 3 बजे, ठीक है। हम आ तो गए थे 1 ही बजे स्टेशन पर, लेकिन 2 घंटा स्टेशन में बिताए, उसके बाद आए यहाँ पर, देख सकते पूरा रास्ता ही खाली है, तब रात का मेरा है टाइम है। देखिए यहाँ पर जो ये घर सब बनी है ना, सब एक मॉडल बना है, देखिए ये मंदिर का डिजाइन तरह बनाया गया है सारा, देख रहे हैं पूरा मंदिर डिजाइन तरह बनाया गया है, सब पर सारे घर में सर ऐसे ही बनाया गया, ठीक है। अभी हम लोग चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं हम लोग, कहा वो किस कहाँ बनाने जाएंगे, सरयू घाट जाएंगे, ठीक है ना, वहाँ पर हो सकेगा तो स्नान करेंगे ही, हो सकेगा नहीं स्नान तो करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये सफाई करने वाले सब जा रहे हैं, अब बताओ बताइए आप लोग, इन लोगों के टाइम में हम लोग घूम रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, अभी इन लोगों का टाइम है, सफाई करते हैं तो रोड पूरा साफ हो जाएगा, तब लोगों का एंट्री होगा शाम को सुबह में, ठीक है, 6-7-8 इसी टाइम पर होता है शायद, अभी देख सकते हैं यहाँ पर है, तब तक ब्लॉग में बने रहिए। देखिए दोस्तों हम लोग पैदल चल दिए हैं सरयू नदी के पास, हम लोग जाएंगे वहाँ घाट पर नहाएंगे, स्नान दान करेंगे, उसके बाद राम जी के मंदिर में जाएंगे, उनका दर्शन करेंगे, आपको भी कराएंगे, ठीक है, देख सकते हैं एनर्जी तो लो हो गया, लो हो गया है कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, नदी लो नहीं होता आपको तो मालूम होगा कि राम के नाम पर एनर्जी किसी का लो नहीं होता है, जय श्री राम। ये देख सकते हैं रोड पूरा खाली, और 2 लोग हम लोग रोड पर है, और भी लोग हैं 2 पीछे 3-4 लोग जो कि साफ करने वाले रोड पर है, ठीक है, सफाई करने वाले हैं, समझ सकते हैं, ठीक। अभी हम लोग जा रहे हैं राम के नाम पर, जय श्री राम बोलिए कमेंट में, और लाइक चाप के दीजिए अगर राम भक्त है तो, ठीक है, अभी हम तो राम भक्त हूँ तो मैं भी लाइक दूंगा, आप भी लाइक दीजिएगा, अरे तो लाइक देता ही है, ठीक है। अभी देखिए हम लोग अभी पैदल चलते चलते तो आ गए, कुछ दूर आए अभी, ठीक है, अभी और दूर जा रहे हैं हम लोगों को, क्योंकि हम लोग तपस्या किए हैं कि पैदल ही चलेंगे राम जी के लिए, ठीक है, कोई भी मिनी कार, मतलब मिनी वो काल का। अभी दोस्तों एक आपको दिखाता हूँ क्या नज़ारा है, जो कि आप लोगों को रात में देखने को मिल रहा है, दिन में देखने को नहीं मिलेगा, अगर मैं दिन में आता तो ये देखने को नहीं मिलता, देखिए दोस्तों ये देख सकते हैं आप, इतना अच्छा ये देखने को लग रहा है, ये राम जी का धनुष है, ठीक है, देख सकते हैं राम जी का धनुष आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी लगा है, ठीक है, यानी हर एक रोड पर, मतलब कुछ दूरी पर लगाया गया है, ठीक है, और ऐसे लाइटिंग कर रही है, ठीक है, आपको व्यू ये कैसा लगा बताइएगा, ठीक है, हमारे ब्लॉग के जरिए आप लोगों को एक एक चीज़ दिखाया जाएगा, जो आप लोग नहीं देखे होंगे वो भी दिखाया जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों एक घर नहीं देखे, ये भी आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, अभी आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, ठीक है, ब्लॉग में मज़ा तो आने वाला है ही, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोग कहाँ आ गए हैं, कौन सा जगह है जी, छोटी देवकाली, वहाँ पर लिखा है पोस्टर पर छोटी देवकाली, और दोस्तों ये देख सकते हैं साइड में कुछ ऐसा बनाया गया है, हमको ये मालूम नहीं है क्या है, अभी देखते हैं कुछ लिखा होगा तो पढ़ के बताएंगे क्या है, ऊपर क्या लिखा है, राजगोपाल मंदिर, राजगोपाल मंदिर है ये, हमको मालूम नहीं है कुछ भी, महाविद्यालय क्या, महाविद्यालय क्या लिखा है, महाविद्यालय श्री राजगोपाल संस्कृति महाविद्यालय, अच्छा ये महाविद्यालय है, सॉरी फॉर मिस्टेक, नहीं मालूम था। देखिए हम लोग इसी को पढ़ के बताया हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी पहली बार आया हूँ, ठीक, देखिए पूरा यहाँ का पूरा भी जितना भी घर है सब एक मॉडल के बना दिया गया है, एक कलर कर दिया गया है, भगवाधारी हम है क्या राम भक्त, ठीक है।
कौन कौन राम भक्त है कमेंट में जरूर बताएं। देखिए यहाँ पर अब कुछ लोग निकल रहे हैं धीरे धीरे, सबसे पहले हम भी लोग निकले हैं। आप देखिए अब कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, फिर से देखिए दोस्तों यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है दोस्तों, अभी देख सकते हैं आप लोग। हम लोग आ गए हैं लता मंगेशकर पार्क, ठीक है। यहाँ पर भीड़ लगा है लेकिन थोड़ा लगा है क्योंकि अभी रात का टाइम है, भीड़ उतना नहीं लगा है, तभी भी लोग हैं देख सकते हैं। ये है लता मंगेशकर पार्क, बीड़ा के बजैया देख सकते हैं। आपको कैसा लगा ये लुक, मतलब यहाँ का व्यू बताइएगा, क्योंकि हर चीज़ कमेंट में बताना पड़ता है। देखिए दोस्तों ये रहा पूरा व्यू, थोड़ा कैमरा मैन थोड़ा पकड़ेगा और मैं थोड़ा वहाँ एंट्री मारूंगा, ठीक है, दिखाएगा हमको। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आओ हनुमान जी दिखाओ, ये देखो हनुमान जी। ठीक है ठीक है भैया, फोटो दोस्तों। हम लोग लता मंगेशकर पार्क के मतलब चौक से हम लोग जा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ से। अभी हम लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए, ताकि मंदिर पर जाएंगे तो पूजा कर लेंगे, क्योंकि अभी लेट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर जल्दी नहीं स्नान करेंगे तो लेट हो जाएगा, मंदिर में भीड़ लग जाएगी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। इसलिए देखिए पीछे देख सकते हैं वो पार्क है ना, लता मंगेशकर पार्क, वहाँ से हम लोग रिटर्न सीधे एकदम उसके पीछे की तरफ हम लोग जा रहे हैं, देख सकते हैं। एक घाट है, इधर हम लोग नहाने जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा वेट करेंगे, अभी हम लोग उधर भी जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग वेट करिए, आपको एक व्यू दिखा दूँ, ये वाला धनुष वाला है व्यू ना, देख सकते हैं। इस शरीर नदी फूल पर बना है, फूल पर पूरा बना है, देख सकते हैं दोस्तों। ये नज़ारा आपको रात को देखने को मिलेगा, दिन में नहीं मिलेगा, देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखने को दिन में कभी नहीं मिलेगा, ये जो दिखाई दे रहा है दिन में कभी नहीं मिलेगा, रात को ही मिलेगा, इसलिए रात में वीडियो बना रहा है, देख सकते हैं। पूरा पुल पर पूरा लगाया गया है, और यहाँ से आपको दिखा दें, इट्स अमेजिंग। ये दोस्तों हम लोग इधर ही नहाना है, ठीक है। ये है नदी, ये देख रहा नदी दोस्तों, सरयू नदी, गजब यार, यही है सरयू नदी। मोबाइल तो गिरेगा तो देख जानते ही आप, बचेगा नहीं, लेकिन आपको दिखा दे रहा हूँ मैं दोस्तों, देख सकते हैं। ये है राम भक्तों का प्यार, ठीक है। देखिए अभी हम लोग नीचे जाएंगे, ठीक है। अभी देख रहे हैं थोड़ा आपको ये नज़ारा पूरा पुल का दिखाने के लिए लाए हैं। देखिए दोस्तों ये पूरा नदी है, रात को तो है दिखाई नहीं देगा, ठीक है। देखिए दोस्तों ये पूरा कितना दूर तक बनाया गया है, और दोस्तों देखिए इधर भी थोड़ा वीडियो दिखाने में डर लग रहा है दोस्तों, क्योंकि मोबाइल मेरा गिर जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा मुझे, ठीक है। फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं पूरा सरयू नदी है। शायद रात को ये नज़ारा है तो रात को नहीं दिखाई देगा, दिन में दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर दिखाई देगा, देख सकते हैं ऐसे है। अरे हेमंत भाई देखिए घूम रहे हैं, ठीक है, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। आइएगा आप लोग, जो नहीं आएगा आके देखिएगा, बहुत मज़ा आया यहाँ राम मंदिर के बाद, ठीक है। देखिए ठीक है, अभी हम लोग जा रहे हैं पास में तो और दिखाएंगे, ठीक है। तब तक हम भी लोग नहाएंगे तो वीडियो बनेगा, ऐसा नहीं है, चलते हैं हम लोग थोड़ा नीचे। अब हम भी लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए, तब तक आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लोग नहाते हैं, यहाँ से मैं ऊपर से वीडियो दिखा रहा था, अभी मैं नीचे आ गया, वहाँ से वीडियो दिखा रहा था आप लोगों को, अभी नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पर कितना लोग नहा रहे हैं, हेमंत जी को भैया नदी में मतलब कि वो क्या कहते हैं जी, हाँ स्नान कर लिए हैं, ठीक है, देख सकते हैं। अभी यहाँ पर तो कम वम करना कुछ है नहीं, बाल ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी हम अभी देखिए अभी भी रात है, ठीक है, अभी हम लोग जाएंगे कुछ देर बाद राम जी से मिलने, आपको भी मिलाएंगे, तब तक हम लोग बने रहिए, ठीक है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं, अब देखते हैं कहाँ जाते हैं, पहले राम मंदिर जाते हैं,
या हनुमानगढ़िया थे पहले कहा जाएंगे राम मंदिर तक जाएंगे शायद पहले, ठीक है। आप भी देख सकते हैं फायदा तभी यह भगवान जी से मिलने का जब सबसे पहले सुबह में नहा लो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आए हैं, नहा लिए हैं, 3 बजे 3:30 बजे तक हम लोग नहा लिए हैं, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं ब्लॉग में, बने रहिए। क्या दिखा रहे हो? ये देखिए दोस्तों, सूर्य भगवान का देखिए गोला, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ सूर्य भगवान का गोला। ये देखिए क्या क्या नज़ारा है दोस्तों, देखिए पूरा गोला है, इतना मस्त लग रहा है व्यू। क्या क्या देख सकते हैं पूरा गोला यहाँ पर, अभी आपको फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, जूम करके दिखा रहा हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं राम मंदिर, ठीक है। काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है राम जी से मिलने का, ठीक है। क्या आप अब देख सकते हैं, अभी हम लोग यहाँ पर हैं ये सूर्य भगवान का गोला के पास, ठीक है। और ये सामने है मंगेशकर पार्क, ठीक, लता मंगेशकर पार्क, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे अभी इधर से राम मंदिर की ओर, ठीक है। तब तक आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। आप लोग बता दें कि हम राम जी का दर्शन करने के लिए 4 बजे स्नान करके यहाँ पर आ गए थे और आगे ही लाइन लगे थे, लेकिन यहाँ पर गेट लॉक था। वो सब बोल रहे थे कि आरती होने के बाद ही मतलब लॉक को खोला जाएगा, यानी आरती होने के बाद ही लोगों का एंट्री होगा। देख सकते हैं कितना लोगों का भीड़ यहाँ लग चुकी है धीरे धीरे। और यह गेट 7 बजे खुलेगी, यानी हम लोग 4 बजे आए हैं और गेट 7 बजे खुलेगी। चलिए हम राम जी के नाम पर हम लोग इंतजार कर सकते हैं। जय श्री राम। भीड़ देख सकते हैं दोस्तों, क्या भीड़ है, सुनो देखिए, कोई बात नहीं है, कम लोग हैं। मोबाइल ले जाने अलाउ नहीं है दोस्तों, यहाँ पर जमा हो जा रहा है, यहाँ पर सभी लोग अपना मोबाइल जमा कर रहे हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में जितना भी ब्लू में बॉक्स दिखाई दे रहा है उसमें सबका चप्पल जूता जमा है, क्योंकि सबका यहाँ जमा हो जाता है। उसके बाद सब कोई वहाँ पर मतलब एंट्री होता है वो मंदिर में राम जी को देखने के लिए, ठीक है। सभी लोग यहाँ पर अपना चप्पल आकर ले रहे हैं और लेकर यहाँ से सीधे जा रहे हैं, ठीक है। तो सॉरी दोस्तों, मैं आप लोगों को राम जी को दर्शन नहीं करा पाया हूँ क्योंकि मोबाइल मेरा सब कुछ जमा हो गया था, एयरबड्स भी जमा हो गया था दोस्तों। यहीं पर हम लोग स्नान किए थे रात को, अभी तो दिन का समय है दोस्तों, देख सकते हैं कुछ इस तरह दिखाई देता है दिन में, ठीक है, लेकिन रात को हम लोग नहाए थे इसी नदी में। तो दोस्तों अभी हम लोग राम मंदिर से लौट के आ चुके हैं, दर्शन कर लिए राम जी का। वहाँ पर दोस्तों मोबाइल जमा हो गया था, ठीक है, इसलिए आप लोग हमें दिखा नहीं पाया राम जी को, सॉरी दोस्तों इसके लिए। मैं समझा कि वहाँ मोबाइल नहीं जमा होगा तो आपको दिखा दूंगा, लेकिन वहाँ पर मोबाइल जमा हो गया था, ठीक है। तो दोस्तों बता दें कि अभी मैं आया हूँ हेमंत के चाचा के रूम पर, ठीक है,
यहाँ पर हम लोग रुके हैं, आज रुकेंगे हम लोग, कल जाएंगे, कल हम लोग जाएंगे लखनऊ, ठीक है, वहाँ से 10 या 15 दिन बाद जाएंगे अपने घर, ठीक है दोस्तों। इतना ही ब्लॉग में दिखा पाया आपको वीडियो में, और ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग के लिए, बाय एंड टेक केयर।